नमस्ते सलाम दोस्तों, मैं प्रशांत वेलकम करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली बजीज और लव बर्ड्स पर। दोस्तों आपने अभी स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा कि वीडियो में स्टार्टिंग में नीम दिखाई गई है, तो आज वीडियो जो है वो उसी के बारे में होने वाली है कि नीम के क्या फ़ायदे रहते हैं और हमें नीम क्यों इस्तेमाल करवानी चाहिए अपने बर्ड्स को। तो दोस्तों क्योंकि हम लोग जो है बहुत लोग इसमें रहते हैं कि नीम खिलानी चाहिए कि नहीं खिलानी चाहिए, बहुत सी वीडियोज़ में लोग खिला रहे हैं, तो वो क्यों खिला रहे हैं, उसका क्या फ़ायदा रहता है, पूरा साइंटिफिक कवर करेंगे। दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको जो भी इसके अच्छे बेनिफिट्स हैं और जो भी इसके फ़ायदे मिलते हैं नीम के बर्ड्स को उसके बारे में आप जान सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए सारी की सारी जो नीम है वो हमने अंदर डाल दी है, और देखिए चिड़िया तो टूट पड़ी है इस पर। तो जो मेरी बर्ड्स हैं वो काफ़ी जो है इसको बहुत चाव से खाती हैं और बहुत पसंद है, बहुत शौक़ से खाती हैं ये जो नीम लीव्स हैं। तो दोस्तों अब देखें, जैसे कि हमने बात कर ली है कि नीम के बारे में हम बात करेंगे, और आपने बहुत जगह देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों को जो जैसे हम लोग भी अपनी डीवॉर्मिंग करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें जो अपने बर्ड्स को है उनकी भी डीवॉर्मिंग जो है वो करनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डीवॉर्मिंग बोलते किसे हैं। तो दोस्तों देखिए बर्ड्स के जो पेट में है वो कीड़े हो जाते हैं क्योंकि वो लोग जो है मिट्टी खाते हैं और बाकी ऐसी चीज़ें, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके पेट में जाते हैं, जिसके बाद जो है दोस्तों उनको जो है कीड़े हो जाते हैं, पेट में डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों के। आप देखते हैं हम इंसानों में बच्चों के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ऐसी बर्ड्स होती है वो मिट्टी वगैरह खाती रहती है तो उनके पेट में हो जाते हैं। तो जब उन्हें हम कोई दवाई की मदद से या कोई नेचुरल चीज़ की मदद से जब हम वो कीड़े मारते हैं उनके पेट में तो उसको हम डीवॉर्मिंग बोलते हैं। तो दोस्तों आप देखें सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर कीड़े हो जाते हैं जो बर्ड है उसके पेट में तो उन्हें नुकसान क्या क्या हो सकता है, और क्या जो हमें कैसे पता चलेगा कि यार हाँ हमारे बर्ड्स को जो है वो डीवॉर्मिंग करवाने की ज़रूरत है, तो वो कैसे हमें पता चलेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले उसमें एक चीज़ होगी कि आपका बर्ड सूखने लग जाएगा, उसे सीप आ जाएगी, ठीक है। सीप आप लोग सब जानते हैं जो सीने की हड्डी होती है उसे सीप बोलते हैं, तो वो प्रॉब्लम आ जाएगी, उनके ब्रीडिंग जो है वो साइकिल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। मतलब जैसे आपके पास जो नॉर्मली है 4 से 5 बार ब्रीड करता है बर्ड, तो शायद वो 2 बार करेगा, वो भी बच्चे अच्छे नहीं निकालेगा, तो इस तरीके की दिक्कतें आती हैं। बाकी देखें उनके अंडे जो वो रखते हैं, तो अंडों में क्या होता है कि अंडों में जो सूख जाता है अंडा, अंडा फर्टाइल नहीं निकलता है, तो ये सारी दिक्कतें हैं जो ब्रीडिंग से रिलेटेड आ जाती हैं। साथ ही क्या होता है जब बर्ड है उसका जब उसके पेट में जो वॉर्म्स होते हैं वो उसके जो शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो सारी चीज़ें होती हैं उसका इस्तेमाल करके खुद वो लोग जो है मल्टीप्लाई होते हैं, तो उससे क्या होता है दोस्तों कि वो बर्ड की जो सारी जो पावर है वो चूस लेते हैं एक तरीके से आप समझें, तो उससे क्या होता है बर्ड सूख के मर जाता है। तो एक तो ये दिक्कत इसमें बहुत बड़ी आ जाती है। साथ ही दोस्तों अब देखें उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि हमारे जो एवियरी है या हमारे जो केज हैं हमारे बर्ड्स हैं उनको ये दिक्कत आ रही है, तो हम लोग जो है दवाइयाँ वगैरह देना स्टार्ट कर देते हैं, किसी से कुछ भी दवाइयाँ दे दी। तो दोस्तों देखें ये जो बर्ड्स हैं ना ये दवाइयाँ खाने के लिए नहीं बने हैं, इन्हें नुकसान हो जाता है इन सब चीज़ों से, तो इसीलिए मैं जो सबको जो भी है सजेस्ट करता हूँ कि भाई आप लोग जो है नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करें, क्योंकि वो लोग जब नेचर में होते हैं तो वो नेचुरल चीज़ें ही खा के अपने जो है बर्ड्स जो अपने कीड़े हो जाते हैं पेट में उनको जो है वो ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि हम लोगों को जो है इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं। हम लोग देखें नीम मैंने आपको दिखाई, और नीम जो होती है इसको हमें देना चाहिए, मैं सबको सजेस्ट करता हूँ आप नीम दें अपने बर्ड्स को, और 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते के अंतराल पे आप अपना दे सकते हैं नीम एक बार। उससे क्या होता है जितने भी जो भी कीड़े उनके पेट में बन रहे होते हैं वो उनकी डाइजेशन बढ़िया हो जाती है। मैं इनके कुछ फ़ायदे बता देता हूँ आपको नीम के, जैसे कि मेरे को जो फ़ायदे अभी तक मेरी कॉलोनी में मिले हैं मैं वो आपको बता देता हूँ। देखिए डीवॉर्मिंग हो जाती है पहली चीज़, तो उसके बाद इसमें जो उनका खून है वो भी साफ़ हो जाता है। आपको पता ही होगा इंसानों में भी जो है ये सारी चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं, क्योंकि नीम हम लोगों को भी बोला जाता है लेने के लिए, उससे खून साफ होता है, जो पाचन क्रिया होती है इनकी जो भी डाइजेशन सिस्टम होता है वो ओके हो जाता है इनका, फिर कोई इन्फेक्शन अगर चल रहा होता है तो वो भी ठीक हो जाता है इनको। साथ ही जो इनके कुछ कहीं जगह लग गया कुछ हो गया इनके पैरों में या कहीं जख्म हो गया तो वो सब सारी चीज़ें जो है वो उसमें कवर हो जाती हैं। साथ ही बैक्टीरिया वगैरह मारता है, और इनका जो चर्बी लगती है बर्ड्स को ज़्यादा जो है वो उसमें भी जो है बहुत हेल्प करता है। तो दोस्तों देखें चीज़ एक है नीम, लेकिन उसके फ़ायदे जो है वो बहुत सारे हैं, तो मैं भी आप लोगों को सजेस्ट करूँगा और बाकी सारे जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं या जो भी हैं उन्हें सजेस्ट करूँगा कि दवाई से आप परहेज़ करा करें। दवाई तो एक एंड वाली चीज़ हो गई कि जब कुछ नहीं असर कर रहा तो हम दवाई दे के देख लेते हैं, लेकिन हम वो टाइम ही क्यों आने दें कि हमारे बर्ड्स को ऐसी कोई दिक्कत हो। तो आप लोग सारे जो हैं वो पहले से ही इनका साइकिल बना के रखें कि आज ये देना है, कल ये देना है, परसों ये देना है,
तो उससे जो बर्ड है वो साइकिल में चलेगा और आप जो है ना यकीन मानिए कम ज़्यादा मतलब आपको कम दिक्कत होगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है अगर आप स्टार्टिंग में ही थोड़ी थोड़ी मेहनत करेंगे तो। दोस्तों देखिए इंजीनियर हूँ प्रोफेशन से और साइंस को जो है वो मैं साथ लेके चलता हूँ, मैं देखता हूँ कि बर्ड में क्या दिक्कत है और उसी हिसाब से उनके लक्षण देखते हुए उनका जो है इलाज करता हूँ। दोस्तों देखिए किसी से मैं सीखा नहीं हूँ। दोस्तों देखिए अगर आपको मेरी वीडियोज़ जो है वो पसंद आती हो और जो कंटेंट पसंद आता हो तो आप प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। देखिए मैं देख रहा हूँ कि जो लाइक्स हैं और जो शेयर्स हैं वो ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं, तो दोस्तों लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी हम ऐसी कोई इन्फॉर्मेशनल वीडियोस जो हैं वो लेकर आते हैं आप तक तो आप जो है हमसे जुड़े रहें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नई वीडियो एक नए टाइटल के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने बर्ड्स का ध्यान रखें। जय हिंद जय भारत।